किन्नौर पुलिस ने वीरवार देर शाम को बर्फ के बीच फंसे काजा से किन्नौर आ रही 12 पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पर्यटकों ने भी आभार जताया। मुंबई के 12 पर्यटक लाहौल स्पीति के ताबो क्षेत्र से किन्नौर के नाको की ओर आ रहे थे। पर्यटक बीती रात ताबो व किन्नौर के मध्य बर्फबारी में फंस गए। ऐसे में पर्यटकों ने नजदीकी पुलिस चौकी यंगथंग में संपर्क किया, जिसके बाद तुरंत यंगथंग पुलिस ने ताबो व किन्नौर के सीमांत क्षेत्र में जाकर सभी पर्यटकों को बर्फबारी से सुरक्षित निकालकर जिला के नाको गांव लाया गया। इन 12 पर्यटकों में से एक पर्यटक मयूरेश ने बताया कि वे लाहौल स्पीति के ताबो से वीरवार को किन्नौर की ओर निकले थे। इस दौरान भारी बर्फबारी जारी थी। ऐसे में ताबो व किन्नौर के सीमांत क्षेत्र में अधिक बर्फबारी के बीच उनके वाहन बर्फ में फंस गए, जिसके बाद नजदीकी पुलिस चौकी जो किन्नौर के यंगथंग गांव की थी उन्हें तुरंत कॉल किया गया। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर आकर सभी को रेस्क्यू किया। उन्होंने किन्नौर पुलिस का इस विपदा की घड़ी में सहायता के लिए आभार प्रकट किया। बता दें कि मुंबई से लाहौल स्पीति व किन्नौर घूमने आए इन 12 पर्यटकों को आज सड़क बहाली के बाद अपने अपने गंतव्यों के लिए भेजा जाएगा और इनके वाहनों को भी बर्फ से सुरक्षित निकाल दिया गया है और पुलिस की रेस्क्यू टीम द्वारा सभी पर्यटकों के रहने खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। हेलो, मेरा नाम मयूरेश है, मुंबई से। तो आज हम ताबो से नाको आ रहे थे रात के 8:30 तक। तो कुछ हमारे गाड़ी फंस गया था स्नो में, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हम लोग ने 112 पे कॉल किया एमरजेंसी नंबर, जिन्होंने हमको यंगथंग पुलिस चौकी से मतलब नंबर दिलवाया। तो यंगथंग पुलिस चौकी वालों ने अपना जान जोखिम में डाल के हमको रेस्क्यू किया और नाको में मेरे 11 साथियों के साथ मतलब हम लोग 12 लोगों को सुरक्षित नाको के स्थान में पहुंचाए। और इसके लिए हम लोग यंगथंग पुलिस चौकी के वालों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और थैंक यू किन्नौर पुलिस हिमाचल प्रदेश, थैंक यू सो मच। जय हिंद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए रिकॉर्ड ब्यूरो से जीता सिंह, नेगी के रिपोर्ट।